मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फैजाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम संतोष राय से बातचीत की है हमारी संवाददाता ने। सीएम योगी आदित्यनाथ का फैजाबाद दौरा बाढ़ पीड़ित के लिए आ रहे हैं, जिसके तीन तहसील है, फैजाबाद के सदर तहसील, सोहावल तहसील तहसील। और जिस तरीके से आज डीएम साहब ये दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्या तैयारियां की गई हैं सीएम साहब को देखिए? देखिए, यहाँ क्षेत्र में जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हम लोग पहले से भी, जब से बाढ़ आई हुई, निरंतर ही अपना भ्रमण हम लोग कर रहे हैं और वहाँ पर जो राहत सामग्री है उसका वितरण भी किया गया है। पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था कराई गई है और साथ साथ टीकाकरण आदि की व्यवस्था पशुओं के लिए भी की गई है। लोगों के मध्य भी दवाइयों का वितरण पूर्व से किया जा चुका है और सोहावल क्षेत्र में चूंकि तटबंध में कहीं कटने का कोई ऐसा वो नहीं था, तो इसलिए बाकी जो गांव प्रभावित हुआ है उसके लोगों को यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा और साथ साथ रुदौली में भी इसका वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। अब कितने बाढ़ पीड़ित होंगे तीनों तहसीलों में? तीनों तहसीलों में ला करके तकरीबन 900 लोग। फैजाबाद से समाचार प्लस के लिए मोहम्मद तनवीर। सीएम योगी का दौरा फैजाबाद आज, बाढ़ पीड़ितों का दौरा करने आए हैं। फैजाबाद की तीन तहसील का जो है दौरा करेंगे, एक सदर तहसील, सोहावल तहसील और रिदौली तहसील। बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानेंगे, उसके बाद अगर हम बात करें जिस तरीके से आज फैजाबाद के सोहावल तहसील के मांझा कलक क्षेत्र है, जहां ये जो एरिया में एयरपोर्ट जो तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके से ये हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, देख सकते हैं आनंद फानन में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कल दौरा तय हुआ, उसके बाद जो है आनंद फानन में ये हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। और अगर बात किया जाए कि जिस तरीके से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने की बात की जा रही है, उसके बाद जो है ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, उसके बाद सुरक्षा और के माकूल इंतजाम किए गए हैं, उसके अलावा और बाढ़ पीड़ितों को जो मदद मिलनी है वो मदद के लिए सीएम योगी आज आ रहे हैं। फैजाबाद से समाचार प्लस के लिए मोहम्मद तनवीर।